साहित्य सम्राट प्रेमचंद्र थे यही मशहूर कहानियाँ लिखिया यही गोदा ने लिखा ईदगाह लिखा जो जो लिखा वो सब है छपा नमक दरोगा सुना ही होगा पंच परमेश्वर पढ़ा ही होगा। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी उनका अध्ययन क्रम चलता रहा। उन्होंने उर्दू का भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया। जीवन संघर्ष में जूझते हुए भी वह एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर तक के पद तक पहुँचे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक भी रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का भी संपादन किया जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा की। उनका बचपन का नाम धनपत राय था किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। वे अंग्रेजी सरकार के कोपभाजन भी रहे। उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में सामाजिक कहानियों की भी रचना की तथा शीघ्र ही लोकप्रिय कथाकार हो गए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। उनके कृतित्व में जीवन सत्य का आदर्श रूप उभर कर आया है। परिणाम स्वरूप वे सार्वभौम कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन आदि प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि नाटक भी प्रेमचंद जी ने लिखे। प्रेमचंद का विशाल कहानी साहित्य मानव प्रकृति, मानव इतिहास तथा मानवीयता के हृदय स्पर्शी एवं कलापूर्ण चित्रों से परिपूर्ण है। उन्होंने सांस्कृतिक उद्यन, राष्ट्र सेवा, आत्मगौरव आदि के सजीव एवं रोचक चित्रण के साथ साथ मानव के वास्तविक स्वरूप को उभारने में अपूर्व कौशल दिखलाया है। उनकी कहानियों में दबन, शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई है तथा सामाजिक विकृतियों पर व्यंग के माध्यम से प्रहार किया गया है। साहित्य सम्राट प्रेमचंद थे यही मशहूर कहानियां लिखी यही।